ब्राइटनेस कितनी लो होगी अभी देखो, ये ब्राइटनेस मैं बढ़ाता हूँ कितनी ब्राइटनेस। तो ये है BT-136, ठीक है ये ले लेना आपको। और एक चाहिए हमें DB-3, ये डाइस होता है एक, ठीक है। एक ले लेना हमने पोटेंशियोमीटर 500 के का है। और एक हमें चाहिए रेजिस्टेंस जो है 10 किलो ओम की, ठीक है। और एक चाहिए हमें एक PF जो है 104 250 वोल्ट। आप इसकी जगह 400 वोल्ट का ले लेना, मेरे पास 250 वोल्ट है। ये ले ले रेजिस्टेंस, इसको लगाना है T2 पे MOSFET, ठीक है T2 पे लगा दिया। अब एक ये जो था डाइस लेना है DB-3, इसे लगा लेना है गेट नंबर पिन पे। तो इसे मैं गेट नंबर पिन पे लगा लेता हूँ। लेना है हमें ये PF 104 250 वोल्ट, इसे लगा लेना हमने यहाँ पे इसके T1 पे। T1 T2 ये है टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 और गेट, टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 और गेट, ठीक है ये ऐसे कनेक्शन कर लेना है आपने। अब ये ले लिया हमने पोटेंशियोमीटर, और इसकी जो पहली नंबर पिन और ये दूसरी नंबर पिन है इसको इकट्ठे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब जो ये डाइस है DB-3 इसको कनेक्ट करना है इस पर जो हमने कनेक्ट करी थी पोटेंशियोमीटर की उस पर। अब जो रेजिस्टेंस है उसको कनेक्ट कर देना है सबसे लास्ट वाली पिन पे, इस वाली पिन पे, ठीक है इसे कनेक्ट कर देना कुछ ऐसे, ठीक है। पीएफ की जो पिन है जो बची हुई पिन है इसको कनेक्ट कर देना है इस पे। ये कनेक्शन पूरे हो गए, अब करते हैं AC इनपुट और आउटपुट के। तो इनपुट की वायर ले ली मैंने, इनपुट इसकी पहले नंबर पिन पे जाएगी, ये निकल गया कोई नहीं इसे लगा देते। इनपुट इसकी पहले नंबर वाली पिन पे, ठीक है। और आउटपुट ये लगेगा सेकंड नंबर की पिन पे। ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ठीक है। इनको सीरीज में करना है कनेक्ट, अभी मैं करके भी दिखाऊंगा। तो इसको फिट कर लेंगे एक बॉक्स में, तो मैंने बॉक्स के पार्ट रेडी कर दिए, जल्दी से बॉक्स बना लेते हैं। तो इसे लगा लेते हैं इसमें, ठीक है। अब इसे चिपका लेना है, तो इसको पैक कर देते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट, अब लगाते हैं इसमें लोड कोई, ठीक है। तो एक पहले लगा लेनी है, ये है इनपुट, ये लगेगा सीधा AC में। और एक वायर जो इसकी है होल्डर की वो लगेगी AC में, जो भी आपका एक लोड होगा वो लगेगा AC में, ठीक है। इन दोनों को AC में लगाएंगे। और जो आउटपुट है आउटपुट के साथ लगेगा ये वायर, इस कोई भी लोड की एक वायर लग जाएगी इसमें आउटपुट के वायर में। ये लगा दिया हमने और इसे दे दिया हमने पावर, तो ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसे दे देंगे पावर, तो इन दोनों तारों को एक लोड की और एक इनपुट की दोनों को डाल देंगे इसमें।
और इसमें कनेक्ट कर देंगे एक बल्ब, कोई भी आप लोड कनेक्ट कर सकते हो, मैं बल्ब कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब चलाएंगे इसे, ये देखो, ये देखो फुल ग्लो कर दिया। ठीक है, अब इसे ब्राइटनेस लो करते हैं इसकी, ये देखो, ये देखो ब्राइटनेस कितनी लो होगी इसकी। अब ये देखो, ये ब्राइटनेस मैं बढ़ाता हूँ, ये देखो कितनी ब्राइटनेस। ये थोड़ा वो फ्लिकरिंग करने लग जाता है कैमरा, तो इसका तो कोई चक्कर नहीं। ये देखो, ये देखो, ये देखो कितना कम ग्लो कर रहा है, और फुल तेज भी ग्लो करवा सकते हैं हम। हमें जितनी लाइट चाहिए उतने हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं, देखो। ठीक है, तो आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा बताना ज़रूर।